विंडोज में 3D प्रोग्रामिंग ओपन जीएल को यूज करके अभी तक हमने बेसिक्स देखे, जैसे कि बेसिक शेप्स कैसे बनाएंगे, कलरिंग कैसे करेंगे, लाइटिंग का क्या मतलब होता है। दो हफ्ते इंटीरियर में नहीं गए, लेकिन इसके कंसेप्ट अगर आपको थोड़े से अगर पता चल गए तो हम देखेंगे कि हमने टेक्सचर देखा और ट्रांसफॉर्मेशन और टाइमर देखा, और अब हम जो करेंगे इन सबको मिला के एक प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि आगे हम और भी टॉपिक देखने वाले हैं, जैसे कि एनिमेशन है, कॉलिजन डिटेक्शन है, टेक्स्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, टेरेन कैसा हम दिखाएंगे, स्पेशल इफेक्ट्स जैसे अल्फा बेंडिंग है और ड्राइंग रिफ्लेक्शंस है, फॉग है, पार्टिकल सिस्टम है, इसी तरीके से हाउ टू इंक्रीज द स्पीड एंड अपीयरेंस, अपीयरेंस और स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, और फाइनली हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो जो अभी तक हमने बेसिक्स में देखा है, हम उसका एक कंबाइंड प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं अपने नए प्रोजेक्ट से। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, विंडोज कंसोल, इसको सिक्स्थ कर दीजिए, सिक्स्थ, और 3D, और कंबाइन कर देते हैं इसको। इसमें कोई भी नई चीज नहीं बताने जा रहा हूं मैं, लेकिन वो जो चीजें हमने सीखी हैं सारी या देखी हैं अभी तक, उन सबको कंबाइन करके एक फाइनल हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो इसमें करना क्या है हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि कंबाइंड होगा तो इसमें टेक्सचर भी आएगा, टेक्सचर के लिए हम इमेज जोड़ेंगे, और इमेज लोड करने, जैसे बीएमपी इमेज जोड़ना है तो बीएमपी के लिए हमें एक फाइल भी चाहिए, वो सारी यहां जोड़ देते हैं। आपको पता है किस तरीके से किया जाता है ये। पहला क्या करेंगे, पहले यहां पर एड एग्जिस्टिंग आइटम करेंगे, एड एग्जिस्टिंग आइटम करके यहां पर इस पर्टिकुलर जगह पे वो पाथ देंगे जहां पर आपकी फाइलें रखी हुई हैं, एंटर कर दीजिए, यहां से एक दो और तीन ये उठा लीजिए, ये सारी फाइलें अवेलेबल हैं आपको। और फिर जब ये आ गई यहां पर, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी ये प्रोग्राम में जुड़ गई है, ये केवल प्रोग्राम में दिखा रहा है। जोड़ने के लिए आप ओपन फोल्डर टू विंडोज एक्सप्लोरर जाइए, अब यहां पर आपको डालनी है, ये एक्चुअल जहां पर प्रोजेक्ट बनाया ना वहां पर है ये। तो ये तीनों फाइलें जो आपने चूज की हैं वो कंट्रोल सी करके यहां पर डाल दीजिए, तीनों आ गई, अब ये प्रोग्राम चलेगा अच्छे से। मतलब बेसिक चीज हो गई है, अब यहां पर जो एक्चुअल सीपीपी है उसमें हमें क्या फेरबदल करना है, उसमें क्या करना है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, मैं यहां पर कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर देता हूं, पहले मैं चलाऊंगा और फिर आपको एक एक करके बताऊंगा कि हमने कहां कहां क्या क्या यूज किया और कैसे कैसे यूज किया। साहब ये है हमारा फाइनल प्रोग्राम, देखिए आप लाइटिंग भी देख पा रहे हैं, आप यहां पर टेक्सचर भी देख पा रहे हैं, एक क्यूब भी देख पा रहे हैं और इसका मूवमेंट भी देख पा रहे हैं। तीन चार चीजें आप एक ही प्रोग्राम में देख रहे हैं। इसको कैसे हमने अचीव किया वो अभी देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं अपने मेन प्रोग्राम से। मेन प्रोग्राम जैसे आपको पता है कि यहां पर हम फ्लड इनिशियलाइज करते हैं, यहां पर हम इनिशियल रेंडरिंग कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हम विंडोज वगैरह बना रहे हैं, और जो भी हमारे पास कीबोर्ड फंक्शन है, रीशेप फंक्शन है, वो यहां पर हम देते हैं। और टाइमर जो जिस हिसाब से ये घूम रहा है, जो क्यूब घूमा उसको वेरिएट करने के लिए हमारे पास टाइमर होता है। अपडेट ये वही चीज है कि जैसे 25 सेकंड में आप घुमा रहे हैं, ये टाइमर फंक्शन आपने देखा होगा कि यहां पर भी हमने यूज किया टाइमर फंक्शन, ये देखिए टाइमर फंक्शन है, और ये बार बार अपडेट होता है। इसको टेज चेंज करेंगे उस हिसाब से आपका जो आपने क्यूब देखा वो घूमेगा। खैर जो मेन मुद्दा है वो ये हमारा, उस पर अभी पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये हैंडल की प्रेस, यानी कि जब हम हमारे पास विंडो आएगी एस्केप दबाएंगे तो चला जाएगा वो। लोड टेक्सचर आपको बता चुका हूं मैं कि ये जो इमेज है बीएमपी इमेज जो अभी आपने देखी उसको लोड करने के लिए हमारे पास ये फंक्शन है लोड टेक्सचर। इनिट रेंडरिंग में हम यहां पर इसको कॉल करते हैं ताकि ये इमेज ले ले और लोड हो जाए टेक्सचर, ये सारा काम होता है। उसके बाद हम ये इमेज को डिलीट भी करते हैं साथ साथ। अब यहां पर देखिए लाइटिंग एनेबल की, लाइटिंग के लिए हमने एक सोर्स लगा दिया, पिछले बार याद होगा आपको जब हमने लाइटिंग सीखी थी तो दो सोर्स लगाए थे हमने, कलरिंग इनिशियल वो कर दी, एनेबल कर दी, लाइटिंग एनेबल कर दी, ये सारे काम कर दिए क्योंकि हमको सब कुछ चाहिए, यहां पर सारी चीजें चाहिए। फाइनली हमारे पास एक ड्रॉ सीन फंक्शन होता है, हम उसमें आ जाते हैं। ड्रॉ सीन फंक्शन में शुरुआत करते हैं, आप यहां पर ट्रांसलेशन देखेंगे, आप यहां पर लाइट देखेंगे, लाइट सोर्स देखेंगे,
और इसी तरीके से रोटेशन देखेंगे, ट्रांसलेशन देख रहे हैं, रोटेशन देख रहे हैं, यहाँ पर लाइटिंग भी आ रही है। इसी तरीके से आपके पास चारों फेसेस, एक दो तीन चार, चारों फेसेस जो क्यूब है उसके लिए कलर है, उसके लिए नॉर्मल है और ये वर्टेक्स है। इसी तरीके से कलर नॉर्मल वर्टेक्स, कलर नॉर्मल वर्टेक्स और राइट फेस, ये भी कलर नॉर्मल वर्टेक्स। टेक्सचर आपने बता दिया, टेक्सचर बाइंड टेक्सचर कर दिया, यानी कि आपने टेक्सचर तो यूज किया और टेक्सचर को भी जोड़ भी दिया। किसके साथ? आपके क्यूब के साथ। और ये फ्रंट फेस में आपने टेक्सचरिंग की, बैक फेस में टेक्सचरिंग की। अगर आप देखें अभी अभी थोड़ा सा उसको चलाएंगे, फिर उससे पहले आप देख लीजिए कि ये सारी चीजें हमने यहां पर डाल दी है, चाहे वो लाइटिंग हो, चाहे वो हमारा टेक्सचर हो, रोटेशन स्केलिंग हो, सारी चीज हमने यहां पर जोड़ दी और एक छोटे से प्रोग्राम में हमने सबको समाहित कर दिया। देखिए आपके पास दो ही फेसेस हैं जिसमें हमने टेक्सचर डाला है, इसलिए आपने देखा था कि दो ही जगह हमने टेक्सचर कोऑर्डिनेट दिए थे, बाकी सब में हमने एक एक कलर दे दिया। और लाइटिंग भी देख रहे हो आप, ट्रांसलेशन रोटेशन, ये मूवमेंट जो हो रहा है वो उससे हो रहा है, और जो टाइम है वो इससे ग्लट टाइमर फंक्शन से और अपडेट फंक्शन से ये मैनेज हो रहा है। तो ये कंबाइंड एक प्रोग्राम हो गया बेसिक का। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो और हम डिटेल में जाएंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका ये 3D प्रोग्रामिंग OpenGL में क्या क्या चीजें हैं, जैसे एनिमेशन, कोलिजन, डिटेक्शन, ड्राइंग, टेक्स्ट और टेरेन वगैरह, और थोड़ा सा इसके आगे फिर अपीयरेंस वगैरह ठीक करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।